तो वो ख़रीदे हैं, लेकिन ज़्यादा फाइन ज्वेलरी मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जो रियल जेन्युइन ट्रेडिशनल पीसेस हैं, रॉयल ज्वेलरी, वो सब है मेरे पास. तो मुझे इंटरेस्ट है कुछ नई कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में. और जैसे आप जानते हैं कि हम जब एक बार एक चीज़ पहन लेते हैं तो उसे दोबारा पहनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग ही उसे दोबारा पहन लिया, जो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन अपेरेंटली नॉट अलाउड टू वेयर इट अगेन. लेकिन मैं उस सब में ज़्यादा मानती नहीं हूँ. तो हाउ फार इज़ दैट डे सोहा, जब शर्मिला जी ऑफिशियली उनकी ज्वेलरी आपको देंगे? पता नहीं, आपको उनसे पूछना पड़ेगा, आप प्लीज़ उनसे पूछिए. आई थिंक अनऑफिशियली बहुत कुछ मिला है, और ऑफिशियली देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, अम्मा है, मैं हूँ, हम सब शेयर करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए. आज इतनी सारी ज्वेलरी की दुकान से अगर कोई चीज़ अम्मा को गिफ्ट करना चाहिए तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है अम्मा को गिफ्ट करना. मैंने बहुत कोशिश किया है, उनको एक बहुत पर्टिकुलर स्टाइल है उनका, उनको अच्छा ही नहीं लगता है जो भी मैं खरीदती हूँ. और जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक कि उनको अब, क्योंकि वो कहती हैं कि अभी उनकी उम्र थोड़ी हो गई है, तो उनको अच्छा लगता है थोड़ा सा छोटा एलिगेंट ज्वेलरी पहनने का. एंड आई नो दैट शी वांट्स सम स्मॉल इन सेटिन प्लैटिनम, सम स्मॉल डायमंड इयररिंग्स. सो आल्सो हैव यू लॉस्ट वेट? आई मीन, यू प्लेइंग अ कॉप, सो आर यू ट्राइंग टू गेट इन शेप एंड ऑल दैट? आई एम ऑलरेडी इन शेप, थैंक यू वेरी मच. आई हैव बीन इन शेप फॉर 8 years. I've always been in shape, so I didn't need to do anything to get into shape for a cop. But my cop is not, Shantipriya Fadnis is not a normal cop. She's very good at her job, but there's a huge amount of humor and comic element to it. But yes, I did all of 4 kickboxing classes, and I learned how to do a cartwheel, which I'd never done before in my life. And so I can do a cartwheel now. All right, and what made you say for this role? I mean, experimental for you, obviously you're playing it for the first time, so what made you say, I mean, how did you get convinced? I got convinced in the first 5 minutes of the narration, क्योंकि मुझे मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है फिल्म में इतना अच्छा लगा. और मेरी इच्छा हमेशा यही थी कि मैं थोड़ा सा एक्शन करूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत फिट हूँ, और मुझे ये सब बहुत शौक़ है, जिम जाने का और बैडमिंटन खेलने का और फाइट करने का. तो मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म में भी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपके इंट्रोडक्शन सीन में आपको 20 गुंडों को पीटना है, तो मैंने हाँ बोल दिया. अर्शद वासी इज ऑपोजिट मी, ही इज प्लेइंग द टाइटल रोल ऑफ मिस्टर जोबी करवालो, और जो एक डिटेक्टिव है फिल्म में, और मैं इंस्पेक्टर हूँ. और अभी एक गाना बाकी है जिसे हमें शूट करना है, और फिर आई थिंक कि हम इस फिल्म को नवंबर में रिलीज करना चाहते हैं.